हाँ जी भैया, अगर आप सोच रहे हैं कि DSLR लें या स्मार्टफोन फॉर यूट्यूब वीडियोस या व्लॉगिंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो ये वीडियो बन रही है, ये बन रही है मेरे स्मार्टफोन से, जो कि है वीवो का। आजकल ये जितनी सारी कंपनीज हैं मोबाइल फ़ोन की, ये कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छा हम कैमरा बनाएं अपने कस्टमर्स को, ताकि खुश कर पाएं। तो मोबाइल से व्लॉगिंग या वीडियोस जो भी आपने बनानी है, वो बहुत अच्छी बन सकती हैं और इजी टू यूज़ है। कहीं भी आप अगर आप जा रहे हैं, अपने पॉकेट से निकालें और वीडियोस आप बना सकते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट मुझे इसका ये लगता है कि इसकी चार्जिंग बहुत अच्छी होती है, जो कि काफ़ी घंटों आप आराम से वीडियोज़ बना सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें अपने DSLR से, उसकी चार्जिंग काफ़ी कम होती है। और माइनस पॉइंट मुझे इसका ये लगता है कि इसमें आप रोटेट स्क्रीन नहीं कर सकते, अपने आप को देख नहीं सकते कि मैं क्या कैसे लग रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वो सब आ भी रहा है या नहीं। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि इसमें ज़्यादा ब्लर नहीं होता, क्योंकि हम इसमें लेंस चेंज नहीं कर सकते वाइड एंगल, या अगर आपने सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है वो नहीं बना सकते। तो कुछ ये माइनस और प्लस पॉइंट है मोबाइल फ़ोन के। अब देखते हैं हम अपने DSLR को। तो हाँ जी भाई, इस वक्त जो ये मेरी वीडियो बन रही है, ये बन रही है मेरे DSLR से, जो कि आपको भी फ़र्क पता चल रहा होगा कि कितनी वीडियो शार्प और ज़बरदस्त बन रही है। इसके भी वैसे कुछ माइनस और प्लस पॉइंट हैं, पड़े वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो प्लस पॉइंट हम इसका पहले देखते हैं, वो ये मुझे लगता है कि आप इसमें अपना लेंस चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप वाइड एंगल या 50mm ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो इसमें लगा सकते हैं। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि आप इसमें अपने पसंद की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर लाइट ज़्यादा है तो अपर्चर, शटर स्पीड ये वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और माइनस पॉइंट इसमें ये होता है कि ये आपके लिए सेटअप ज़रा थोड़ा हैवी होता है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लोग भी आपको देखते हैं ये क्या कह रहा है, मोबाइल से इतना नहीं गौर करते। और तीसरी जो इसकी माइनस पॉइंट मुझे लगता है, वो ये है कि इसकी बैटरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, जो कि मोबाइल में काफ़ी देर आप वीडियोस बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की कुछ प्लस और माइनस पॉइंट हैं। पड़े उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी पता चला होगा। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती, but God damn it girl, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी।